अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए सब्ज़ी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ तंदूरी आलू बहुत ही यूनिक और बहुत मज़े के आलू बनते हैं उसके लिए मैंने आलू लिए हैं तकरीबन एक किलो ये आलू थे और इनको मैंने इस तरह चोरस शेप्स में काट लिया था आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी काट सकते हैं इसमें मैंने दो टेबल स्पून लहसुन के डाले हैं चॉप हुए लहसुन के फ़्रेश लहसुन है ये और इसके अलावा इसमें अदरक डालूंगी मैं तकरीबन डेढ़ टी स्पून डेढ़ सॉरी डेढ़ टेबल स्पून आई आइए इस इन आलू को हमने पहले मैरिनेट करके रखना होता है उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे जितनी देर में मसाला होगा उतनी देर में हमारे आलू मैरिनेट हो जाएंगे इसमें अब मैं डालूंगी धनिया एक टी स्पून उसके अलावा जीरा डलेगा इसमें जीरे का पाउडर तकरीबन डेढ़ टी स्पून के करीब वो भी डालूंगी मैं इसके अलावा इसमें सुर्ख डलेगी डेढ़ टी स्पून आप अपने हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं और साथ में हल्दी डालूंगी मैं एक टी स्पून और नमक डलेगा इसमें तकरीबन डेढ़ टी स्पून और इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी तंदूरी मसाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं अच्छी ब्रांड का ले लें कोई भी वो भी तकरीबन मैं डेढ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करूँगी ये देखिए तंदूरी मसाला ये भी डाल देंगे तकरीबन डेढ़ टी स्पून आई है और इसके अलावा मैं लेमन जूस शामिल करूंगी इसमें दो टेबल स्पून मैंने बोतल का इस्तेमाल किया आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं दही डलेगा दे इसमें तकरीबन आधी प्याली वो भी मैं साथ ही डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको रख देंगे जितनी देर में हमारा मसाला तैयार होगा उतनी देर में आलू मैरिनेट हो जाएंगे बहुत ही डिफरेंट और मज़े के ये आलू बनते हैं बच्चे आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे इतने मज़े के बने बनते हैं ये आलू बनाने के लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी प्याज मैंने लिए थे दो तो उनको मैंने इस तरह चकोर चु, चु, काट लिया था इसको हम हल्का सा नरम करेंगे प्याज को हमने ब्राउन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है तेज रात पे उसको मैं हल्का सा नरम कर लूंगी प्याज को देखिए जी प्याज को भूनते हुए तकरीबन पाँच मिनट हो चुके हैं अब मैंने टमाटर लिए हैं टमाटर तकरीबन इसमें छह दस थे छोटे साइज़ के थे अगर बड़े होते आप चार भी डाल सकते हैं उनको भी मैंने चकोर काट लिया था और चाट मसाला इसमें मैं डालूंगी तकरीबन दो टी स्पून इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कोई मसाला इसमें शामिल नहीं करेंगे उसको ढक के हम टमाटर गलने तक पकाएंगे जब तक के टमाटर गल नहीं जाते उसके बाद इसको चम्मच के साथ ही हल्का हल्का मैश कर लें और जो हमने आलू रखे थे मैरिनेट करके वो डालेंगे इसके अलावा हरी मिर्च मैंने चौक कर ली थी तीन से चार रद और मेथी ये घर की सूखी भी जो मेथी होती है वो मैंने इस्तेमाल की है इसको आप चाहे तो मैरिनेट करते हुए भी डाल सकते हैं ये डालने के बाद सब चीज़ें हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे इसकी बुनाई इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अहम है तेज़ आकर इसको हम जरा चम्मच चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा अच्छा सा कि दही का पानी खुश्क हो जाए उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी का शामिल करके इसे पकने के लिए रख दिया था वो क्लिप मेरे ख्याल से मुझसे कहीं मिस हो गया उसके लिए सॉरी इतना हम पानी आधा गिलास डालेंगे कि आलू अच्छे से हमारे गल जाएँ और इसको हम ढक के पका लेंगे तकरीबन दस से पंद्रह मिनट लगेंगे इनको गलने में और उससे पहले हमने बनाई इसकी अच्छी खासी घी भी थी इससे मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका था इसको हम गला लेंगे और आलू चेक कर लेंगे अब इस पॉइंट पे ये देखें आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं इसके बाद इसका मसाला अब अच्छी तरह तैयार हो चुका है इसके अलावा मैंने इसमें डाली थी शिमला मिर्चें चार अदद लेके इसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया था इसको हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे शिमला मिर्चों को हमने पहले नहीं डालना और इसको ढक के तकरीबन तीन से चार मिनट सिर्फ पकाएंगे इसको हमने तीन से चार मिनट पका लिया अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का दम लगाऊंगी मैं कोयले को मैंने दहका लिया था अच्छी तरह से कोयला गर्म हुआ हुआ था इसमें मैं एक प्याली रखूँगी और कोयला रख के उसके ऊपर चंद कतरे ऑयल के डाल के मैं ढक दूंगी एक से दो मिनट के लिए बस इससे ज़्यादा नहीं ढकेंगे ताकि इसमें अच्छी सी एक खुशबू आ जाए कोयले की अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे मज़ेदार खुशबूदार आलू दम वाले तैयार हो चुके हैं तंदूरी आलू इसको बना के खाएँ और घर वालों से दाद वसूल करें बेहद मज़े के बनते हैं बच्चे आपसे फरमाइश में बनवाएंगे सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है बहुत मज़े के बनते हैं ट्राई जरूर किया करें और मुझे कॉमेंट पैक्स में भी बताया करें से मेरी हौसला अफजाई होती है मुझे दे इजाजत अल्लाह हाफिज